जीवनधारा संघ संस्था द्वारा आयोजित चौथा स्वामी विवेकानंद ग्लोबल अवार्ड शो मुंबई के अंधेरी पश्चिम मेयर हॉल में 5 मई को सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। जीवनधारा संघ जनसेवा के लिए सदैव तत्पर इस संस्था के माध्यम से स्वामी विवेकानंद ग्लोबल अवार्ड 2022 का आयोजन किया गया। इस अवार्ड को 12 कैटेगरी में बांटा गया, जहां मुंबई सहित दिल्ली, उत्तराखंड, झारखंड, नागपुर जैसे कई अन्य राज्यों से लोग इस अवार्ड को लेने के लिए पहुंचे। इस अवार्ड से सोशल वर्कर, टीचर, पुलिस विभाग, पत्रकारिता, बॉडी बिल्डिंग, खेल, साहित्य, चिकित्सा से देश सेवा करने वाले ऐसे कई लोगों को अपने अपने क्षेत्र में अच्छा काम करने के लिए सम्मानित किया गया। इस मौके पर संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष व फाउंडर गोविंद पांडेय, प्रोग्राम के अतिथि स्वप्निल दशरथ कोटका, सहायक अभियंता बृहन मुंबई महानगर पालिका, पूर्व नगर सेवक हरीश शुक्ला चांदीवली विधानसभा, जीवनधारा के संरक्षक मनोज झाव, सुधा भारद्वाज और कानूनी सलाहकार एडवोकेट आफरीन शेख, शिव शक्ति वाहतुक सेना के सचिव देवदत्त बाला भट्ट, युवा समाज सेवक संजीव डी झा मौजूद रहे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जीवनधारा संघ के सह संस्थापिका नीलम पांडेय व राष्ट्रीय उपाध्यक्षा एडवोकेट रूपाली शेट्टी, राष्ट्रीय महासचिव राजेश सुराना व पदाधिकारियों ने अपना सहयोग दिया, जहां सभी सहयोगी का संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोविंद पांडेय ने दिल से आभार व्यक्त किया। सेवा कहते तो सब लोग हैं, लेकिन करते कितने लोग हैं? बहुत कम लोग आजकल करते कम हैं और दिखाते ज़्यादा हैं। लेकिन ये जीवनधारा संघ, मुझे इसको देख के बड़ा मन हर्षित हो रहा है कि आज से 2 साल पहले जब मैं आई थी तब एक ही पौधा था, लेकिन आज ये वट वृक्ष हो गया है। और इस सबका श्रेय जो जाता है जीवनधारा का, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष गोविंद पांडे जी, मनोज झा जी और इनकी पूरी टीम को जाता है, क्योंकि यहाँ पे जुड़ा हुआ हर व्यक्ति अपने आप को एक परिवार की तरह महसूस करता है। क्योंकि परिवार में जिस तरीके से प्यार से सींचा जाता है, क्योंकि सामाजिक संगठनों में सिर्फ मान और सम्मान, आज ये प्यार और ये मान सम्मान ही है जिसके लिए मैं दिल्ली से यहाँ चल करके आई हूँ। और बस यही आशीर्वाद देना चाहूँगी कि जिस तरीके से सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके इनकी भागीदारी होती है, चाहे वो गरीब लड़कियों की शादी हो, चाहे वो नशा मुक्ति केंद्र हो, चाहे वो कोरोना के अंदर, आज जहाँ आपने देखा कि एक पिता ने पुत्र को हाथ नहीं लगाया और पुत्र ने पिता को हाथ नहीं लगाया, वहाँ पर बढ़ चढ़ करके जीवनधारा संघ ने उनका अंत्येष्टि किया। और ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसके अंदर समाज के अंदर ये पीछे रहे, चाहे वो भूखों को भूख मिटानी हो या कोई गरीब हो जिनके पास कपड़े ना हों, तो हर तरीके के क्षेत्र में ये लोग आगे से बढ़ के काम कर रहे हैं। बस मेरा तो यही आशीर्वाद है कि नेशनल नहीं, ये इंटरनेशनल होना चाहिए। और अब की बार जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँ तब तक ये इंटरनेशनल हो जाए, क्योंकि आज जितने भी संगठन हैं वो केवल नाम के लिए चल रहे हैं, लेकिन जो जड़ से जुड़े हुए लोगों के साथ में काम कर रहे हैं ऐसे यूथ, गोविंद पांडे जी हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनको आशीर्वाद दीजिए आप सब लोग भी, और इस संगठन के साथ जुड़िए ताकि ये संगठन देश में नहीं विदेशों के अंदर भी जा कर के अपना कार्य करें और तन मन और धन से सहयोग करिए। ये जीवनधारा संघ टोटल 5 साल रजिस्टर को हो गया, जो 8 साल से हम लोग इस NGO के थ्रू काम कर रहे हैं। और ये हम लोग ने जो अवार्ड दिए हैं अलग अलग क्षेत्र में दिया, डॉक्टर, टीचर, एडवोकेट, स्पोर्ट्समैन और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसी तरह से यूथ आइकॉन, मतलब अलग अलग श्रेणी से अवार्ड हम लोगों ने दिया है। और हम लोगों ने ऑल ओवर इंडिया से सोशल मीडिया के तहत और अपने फेसबुक, व्हाट्सअप के माध्यम से हम लोगों ने बोला था कि सबसे प्रोफाइल मंगाई थी और उसमें 2 से 3 लोगों का सिलेक्शन करके ये अवार्ड हम लोगों ने दिया है।
जितने ऑडियो और गेस्ट आए हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि मेरे बोलने पे जो गेस्ट है और जो भी चीज़ें हैं हमारे काम को देखकर किसी ने ना नहीं किया और अपना कीमती समय देकर सब लोग यहाँ पहुँचे, सभी का तहे दिल से धन्यवाद। हम लोगों ने टोटल पहले तो 8 कैटेगरी थी हमारी एन जी ओ के, लेकिन अभी कुछ इस तरह से काम बढ़ते लोग बढ़ते गए, कोरोना वॉरियर्स का अवार्ड बढ़ा, इस तरह से हम लोग टोटल अभी 12 कैटेगरी से रखा था। देखो अवार्ड शो तो बहुत लोग करते हैं, फिल्म इंडस्ट्री वाले करते, बहुत लोग करते हैं अलग अलग तरीके से, कुछ लोग पैसे लेके करते हैं अवार्ड शो, कुछ लोग दिखावे के लिए करते हैं, हम लोग दिखावे के लिए अवार्ड शो नहीं करते। हम लोगों में जो लोग गरीब लोग और जो नीचे स्तर के लोग हैं, उन लोग जो मेहनत करते हैं उनको दिखाने के लिए लोग मेहनत कर रहे हैं, लोग आगे जा रहे हैं, ऐसे लोगों को हम अवार्ड देते हैं, इस तरह से ऐसा हम लोग सिंपल अवार्ड करते हैं। गरीब कन्याओं की शादी देखो हमने लास्ट टाइम पर जो डिसाइड किया था 5 कन्याओं की शादी करना, उसमें से हम लोग के अवार्ड शो में शादी नहीं हो पाई, बट अभी तक 3 लड़कियों की शादी हो चुकी है जो हम लोग ने उनकी फैमिली को जितना सपोर्ट चाहिए था उस तरह से देकर के, क्योंकि देखो स्टेज शो और दिखावे के लिए बहुत शादियाँ बहुत लोग करते हैं, बट जिस गरीब के माता पिता के पास पैसे नहीं थे और लोगों को दिखाना नहीं था, हमें बताना नहीं था, उनके घर पर जाके उनकी जो ज़रूरत की चीज़ें हुई हम लोगों ने देखे, उनके अभी तक 3 लोगों की शादियाँ करो, वैसी हम जिस गरीब के लोगों का हमारे पास नाम आया या जो चीज़ें आएगी हम उनके घर पर जाके हम पब्लिसिटी उसमें नहीं करेंगे कि पब्लिसिटी करके कि वो गरीब के माँ बाप भी तकलीफ होती कि मैंने बेटी क्यों पैदा किया था या ऐसी चीज़ें क्यों हुई थी, इसलिए हम उनके घर में जाके हम उस चीज़ों को शो ऑफ नहीं करना चाहते, ये हमारे कुछ लोगों ने सजेशन दिया था। मेरा नाम मनोज झा है और जीवनधारा संघ का संरक्षक हूँ। सुधा भारद्वाज मैडम ने अंकुरण डाला था, उसको बड़ा बीज करके गोविंद पांडे जैसे होनहार जिन्होंने कोरोना काल ही नहीं मेडिकल कैंप से लेकर के ब्लड डोनेशन कैंप से लेकर के, मैं इस बच्चे के लिए एक बोलूँगा जो अभी तक 23 बार ब्लड दे चुका है ये इंसान, जीवन धेला धारा संघ एनजीओ बनाने से पहले से लेके आज तक। हमारा मकसद सिर्फ ये है जो जहाँ जहाँ अभी 15 राज्यों में जो है, भारत के 15 राज्यों में एनजीओ पहुंच चुका है, जीवनधारा पहुंच चुकी है और हर जगह जा करके अच्छे से अच्छे काम करने का काम गोविंद जी और हमारी टीम करती है, जिसमें सुधा भारद्वाज जी का अहम योगदान होता है, सभी लोगों का अहम योगदान होता है, मीडिया कर्मी का सबसे ज़्यादा अहम योगदान होता है, पुलिस कर्मी का योगदान होता है, क्योंकि कोरोना काल में जो सिग्नल के ऊपर में कई ऐसे सिग्नल थे, ऐसे जगह थे जहां पुलिस वाले को छुट्टी नहीं, उनको ड्यूटी करनी है, ऐसी अवस्था में पानी पहुंचाना, खाना पहुंचाना, ये सब जीवनधारा का हर एक सिपाही ने किया है और आशा नहीं विश्वास है आगे भी इस तरीके से हम लोग करते हैं। मैसेज डाला था ये चीज़ें पब्लिसिटी मुझे नहीं करनी चाहिए, बट हमारी संगठन जब बन रही थी उस संगठन में क्लोज था कि 5 साल में हमारा इलेक्शन होगा, बट वो 5 साल से ज़्यादा हो चुका है, इसलिए अवार्ड शो ख़त्म हुआ है और मैंने मेरा कर्तव्य इस एनजीओ के लिए हमेशा निभाया है और इस मीडिया के सामने मैं आज जीवनधारा संघ पद से, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहा हूँ और नए लोग जो हमारे संगठन में जो अच्छा कार्य किया है उन लोगों को कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव होगा और उनके साथ मैं कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ इस एनजीओ के साथ वैसे ही काम करूंगा। ये मेरे को पब्लिसिटी इसलिए करना बोलना ज़रूरी था क्योंकि कोई कल को बहुत सारे संगठन होते अध्यक्ष पद पर बैठे रहते, इसलिए मैं अध्यक्ष पद इस मीडिया के माध्यम से छोड़ रहा हूँ। इतनी राष्ट्रीय अध्यक्ष 2 संरक्षक के बीच में बैठे हैं और आज अवार्ड फंक्शन हमारा जो है हुआ है और ऐसे ऐसे मेधावियों को हमने अवार्ड दिए हैं जो अपने अपने कार्य कौशल से जो अच्छा काम किए उसी को अवार्ड दिया जाता है, और इस घड़ी में हमारे गोविंद पांडे जी अपने मनोकथा व्यथा इसलिए सुना रहे हैं जो उनके साथ आप बीती होती है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। इनका अध्यक्ष पद संयोजक होने के नाते हम दो संरक्षक बैठे हैं, इनको ऐसा हम करने नहीं देंगे। फोबिया इनको है समाज सेवा का,
मुझे नहीं लगता कि वो फोबिया किसी और में होगा, क्योंकि जिस तरीके से अपने प्यार से, मृदुलता से, व्यवहार से, हर तरीके से सामने वाले को ये इम्प्रेस कर लेते हैं और उनकी सेवा भाव से प्रसन्न होकर के हम ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ें। तो हमारा आशीर्वाद पहले भी था और आज भी है। अभी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं, अभी तो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है। आज इस संस्था को ये आशीर्वाद दे रही हूँ। तो अभी आप अपना काम करें, और छोड़ने वाली बात या पकड़ने वाली बात तो है ही नहीं, क्योंकि जब आपके ऊपर बुजुर्गों का हाथ है, अपने से बड़ों का हाथ है, तो आप काम करते रहिए। जहाँ भी कोई परेशानी आएंगी, हम सब आपके साथ खड़े हैं। और जब 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 भी ये बात करते हैं तो ऐसा लगता ही नहीं है कि ये इतनी बड़ी संस्था का चालक है। एक बात और भी मैंने देखी थी कि जिनको भी पुरस्कार यहाँ पर दिए गए हैं वो सचमुच उनके लायक ही हैं, क्योंकि हर फील्ड का जो भी बंदा यहाँ आया उसमें काफ़ी गुण थे। और ये जीवनधारा हमेशा इसी तरह सबको सम्मानित करता रहे, क्योंकि सम्मान पाने के बाद और खुशी होती है कि हम और अच्छा काम करें। और इस जीवनधारा संस्था के बारे में काफ़ी कुछ हम बताते हैं। मेरा नाम है एडवोकेट रूपाली शेट्टी। मैं इस जीवनधारा संघ की लीगल एडवाइज़र हूँ। कोरोना के काल में इस एनजीओ ने बहुत अच्छा वर्क किया है। ये एक ऐसा एनजीओ है, एक ऐसा नहीं बोलूँगी, ये एक ही ऐसा एनजीओ है जो खुद इतना बड़ा कार्य करता है बिना डोनेशन का, मतलब खुद के पैसे डालकर ये काम करता है। क्योंकि बहुत सारे एनजीओ ऐसे हैं जो काम तो करते हैं लेकिन यहाँ वहाँ से डोनेशन लेकर करते हैं। डोनेशन मिला तो एनजीओ चला, नहीं तो एनजीओ नहीं चला। लेकिन जीवनधारा एनजीओ जो गोविंद पांडे जी चला रहे हैं, ये कभी डोनेशन का वेट नहीं करते। ये खुद उनको समाज सेवा करने की बहुत इच्छा रहती है और ये एक अच्छा गुण है उनके अंदर। और मैं चाहती हूँ, मतलब मैं कहती हूँ कि सिर्फ गोविंद पांडे जी की वजह से ही ये एनजीओ आज तक चल रहा है और आगे भी चलेगा। मेरा नाम मनोज पाटिल है और मैं फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग इस गेम को रिप्रेजेंट करता हूँ, इंडिया को। जैसे मैंने मिस्टर मुंबई, मिस्टर महाराष्ट्र, मिस्टर इंडिया ये सारे ओवरऑल टाइटल जीते हुए और मिस्टर अमेचर मिस्टर ओलंपिया होता है उसमें भी मैंने सारे मेडल जीते हुए। और मेरे पास इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ बॉडी बिल्डिंग का IBA प्रो कार्ड है जो इंडिया में सिर्फ 10 लोगों के पास है। और मेरे पास प्रो एथलीट का दर्जा है तो मैं अमेरिका में जाके कंपटीशन कर सकता हूँ। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है कि स्वामी विवेकानंद ग्लोबल अवार्ड और जो अपने संघ है जीवनधारा संघ, उन्होंने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि जैसे कि बॉडी बिल्डर्स हो गए या फिर एथलीट्स हो गए, क्रिकेट को छोड़ के अदर स्पोर्ट्स को इतना ज़्यादा रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलता है जितना क्रिकेट को मिलता है। तो मुझे लगता है कि ये छोटी सी ट्रॉफी है जो हमारे हर एक एथलीट के दिल में एक ऊर्जा जगाती है कि यू नो लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहिए, और जो हम लोग कर रहे हैं उसके लिए अवार्ड मिला है तो और अच्छा करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा इन्होंने काम किया है और आज मुझे स्पोर्ट्स अवार्ड मिला है, इसके लिए मैं पूरी टीम का और जो पांडे जी हमारे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ। स्वामी विवेकानंद ग्लोबल अवार्ड मिला है मेरे स्पॉट के लिए। मैं ऑलमोस्ट 7-8 ईयर्स के लिए टाइकोन खेल रहा हूँ। मैंने डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे भी खेला है। मैंने 2 महीने साउथ कोरिया में स्पेंड किया जिधर ये स्पॉट बना था और जिधर ये स्पॉट रोज प्रैक्टिस होता है मेहनत से। मैं टाइकोन मार्शल आर्ट विच कैन बी यूज फॉर सेल्फ डिफेंस एंड प्रोटेक्शन। इट इज़ वेरी ग्रोइंग करंटली इन इंडिया। एनजीओ को धन्यवाद देना चाहूँगी कि जिन्होंने मेरी प्रोफाइल को देखते हुए मुझे इस सम्मान के लायक समझा। और मैं जीवनधारा संघ के साथ FB में जुड़ी हुई हूँ और बहुत दिनों से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है गोविंद पांडे जी वो मेरे कार्यक्रम को देखते रहते हैं, उन्होंने बहुत सराहना भी करी। और ये सब लोग एक्टर में कोई जात भेद नहीं होती है, कोई समांतर सबके लिए समांतर होता है। और एक्टर जो काम करने वाला है चाहे फिल्म लाइन में हो, नेचुरल जनसंख्या में हो,
चाहे अपने एरिया में काम करे, उसके लिए कोई जात भेद नहीं होती है। एक प्यार मोहब्बत होता है और प्यार मोहब्बत के हिसाब से हम लोग एक दूसरे को सहयोग करते हैं। वर्किंग में है, अच्छा खासा रेपुटेशन है, डॉक्टर इंजीनियर है, सोसाइटी में अच्छा खासा नाम है करके, और जिस दिन पुलिस घर आती है करके तब उनको पता चलता है कि हमारा रेपुटेशन वगैरह किसी काम का नहीं है। तो पहले आप अगर देखते हो तो घर जाके थोड़ा सा सोचिएगा, क्योंकि मेरे बेटे के मोबाइल को, बेटी के मोबाइल को सच में कोड है क्या, और उसकी क्या जरूरत है। अगर मेरा बेटा